हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल नीतू डायनामिक में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिना प्याज लहसुन के परवल की सब्ज़ी, आलू परवल की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। ये मैंने आधा किलो से भी कम, थोड़ा सा कम है, आधा किलो ही मान लीजिए परवल लिए हैं, और दो आलू, दो टमाटर, हरी मिर्च और ये अदरक। मसाले में मैंने ये जीरा लिए हैं, जीरा थोड़ा ज़्यादा लिए हैं, पीसना भी है और थोड़ा तड़के के लिए भी रखना है। धनिया, खड़ा धनिया लिए हैं, ये धनिया पाउडर एक चम्मच छोटी चम्मच, हल्दी आधी चम्मच छोटी चम्मच और लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच छोटी चम्मच। और ये मैंने गरम मसाला लिए हैं, इसमें एक छोटी इलायची, दो लौंग, थोड़ी सी दालचीनी और काली मिर्च, एक तेज़पत्ता और थोड़ी सी चीनी। और इसमें मैं आलू परवल की सब्ज़ी में न्यूट्रीनगेट भी, जिसको सोयाबीन कहते हैं, सोयाबीन, तो ये मैंने लिए, ये भिगो के रखे हैं, फूल भी गया है। अब इसको देखिए फूल गया है। अब मैं बनाने जा रही हूँ, पहले आपको ये परवल किस तरह से काटना है आपको पहले दिखा दें। देखिए मैंने ये तीन साइड इसको छील दिए हैं, और इसको इस तरह, बड़ा साइज अगर है तो तीन हिस्सा काटिए और छोटा अगर साइज है तो दो हिस्सा काटना है। तो इसी तरह से आपको पहले ये जो मैंने छीला हुआ है, ताकि इसमें नमक और मसाले जा सके, फीका ना लगे परवल, इसीलिए इसको यहाँ से साइड से तीन हिस्से साइड में छीले हैं। अच्छे से देख लीजिए, एक, दो और ये तीन, इसी तरह से आपको छील के काटना है। मैं पहले थोड़ा सा एक चम्मच तेल डालेंगे, मैंने सिर्फ एक चम्मच तेल डाली हूँ। इसमें ये न्यूट्रीनगर जो पानी निचोड़ के, और इसमें नमक, हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर मिला के इसको मिक्स कर दिए। अब इसको फ्राई कर देंगे, हल्का अच्छे से इसको फ्राई कर देंगे, ताकि इसमें नमक मसाले सब जो भी है इसमें जा सके, फीका ना लगे, इसीलिए इसमें डाल के इसको फ्राई कर रहे हैं। नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर कोट करके उसके बाद फ्राई कर रही हूँ। देखिए मेरा ये न्यूट्रीनगर फ्राई हो गया है, इसको निकाल लेंगे। अब इसमें तेल फिर से डालेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। परवल में मैं नमक हल्दी लगा दी हूँ, अब इसको इसमें डाल के फ्राई करेंगे। अच्छे से इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। देखिए मेरा ये फ्राई हो रहा है, और भी इस तरह से एकदम गोल्डन तक इसको फ्राई करेंगे, अच्छे से गोल्डन आने तक इसको फ्राई करेंगे, पलट पलट के फ्राई करना है। देखिए मेरा ये फ्राई हो गया, इसको भी निकाल लेंगे। देखिए कढ़ाई में तेल बचा है, अब इसी में मैं तेज़पत्ता, थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा जीरा, अब इसमें ये आलू को, आप इस अगर प्याज से बनाना चाहें तो आप इसमें बारीक प्याज काट के भी डाल सकते हैं, प्याज पहले रख के उसके बाद आलू को डाल सकते हैं। तो मैं बिना प्याज लहसुन का बना रही हूँ, इसलिए प्याज नहीं डाल रही हूँ, आलू से डालें, इसके जगह आप प्याज बारीक काट के इसमें डाल सकते हैं,
अब आलू को तब तक फ्राई होने दीजिए, गोल्डन आने तक फ्राई होने दीजिए, तब तक मसाला बना लेते हैं। मसाले में ये मैंने ये अदरक को अच्छे से को चार हिस्से में काट देंगे, एक साथ कर रही हूँ ताकि जल्दी भी बन जाए, आपके पास टाइम भी बचे। ये हरी मिर्च, टमाटर चार हिस्सों में इस तरह से काट के दे दीजिए। ये मैंने जीरा, ये धनिया पाउडर, अरे सॉरी खड़ा धनिया, और जो इसमें जो मैंने काली मिर्च और ये जो मसाले रखे हुए हैं खड़े मसाले, इसको भी इसमें डाल देंगे। अगर आप अलग से देना चाहें तो दे सकते हैं। अब इसको पेस्ट बना लेंगे, जल्दी आपका बन जाएगा, समय नहीं लगेगा, इसलिए मैं एक साथ ही इसको डाल के पीस रही हूँ। पर टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, जिस तरह से मैं बना रही हूँ बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए मेरा हल्का ब्राउन कलर हो गया है, चेंज हो गया आलू। अब इसी में थोड़ा सा मैं कलर रेड कलर का फूड कलर डालूँगी थोड़ी सी। अब ये मसाला तैयार हो गया मेरा, ये मसाला इसमें डाल देंगे, बहुत ही जल्दी बन जाता है, इस तरह से बनाने में टाइम नहीं लगता है। अगर आप परवल को अलग से नहीं फ्राई कर सकते हैं तो तड़का लगा के आलू परवल एक साथ ही फ्राई कर सकते हैं। मिक्सी में जो मसाले थे उसको भी डाल दूंगी, थोड़ा पानी से धो के इसमें डाल दूंगी ताकि सारा मसाला इसमें चला जाए। अब इसको थोड़ा सा हल्का फ्राई करके इसी में नमक डाल देंगे, परवल में भी नमक है और मेथी नगर में भी नमक है, सिर्फ इसी में नमक डालना है। स्वाद अनुसार हिसाब आप अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं टेस्ट के हिसाब से। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, इसको ढक देंगे थोड़ा सा दो मिनट के लिए। दो मिनट हो गया, अब इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, अब इसको मिक्स कर देंगे। इस मसाले को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि इसमें गरम मसाला भी है और अदरक भी है, उसको ज़्यादा नहीं भूनना है, इसीलिए ज़्यादा नहीं भूनूंगी, फ्राई नहीं करूँगी ज़्यादा। इसी में ये परवल और ये न्यूट्री नगेट इसको डाल देंगे, मिक्स कर देंगे इसको। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे ताकि मसाले जो है इसमें कोट हो जाए, इस हिसाब से इसको मिक्स करते जाएंगे। थोड़ी देर दो मिनट के लिए इसको भी ढक के रख देंगे ताकि मसाले जो है इसके अंदर सब चले जाए। देखिए मेरा दो मिनट हो गया है, अब इसमें पानी डाल देंगे। आप रस्सा रखना चाहते हैं रस्सा रखिए, या ग्रेवी रखना चाहते हैं तो ग्रेवी, जिस हिसाब से आपको रखना है उस हिसाब से रखिए। ये एक गिलास पानी और डाल देंगे। अब इसको पकने के लिए ढक देंगे 10 मिनट तक,
10 मिनट के लिए। अब चेक कर लीजिए, देखिए आलू कट रहा है कि नहीं, परवल कट रहा है कि नहीं, कट हो रहा है कि नहीं, चेक कर लीजिए। देखिए मेरा चेक हो रहा है, हो गया है। अब इसी स्टेज में ये चीनी जो है इसमें डाल देंगे ताकि इसमें भूल भी जाए, मिठास भी जाए, सब जा सके। अब इसको फिर से 5 मिनट के लिए ढक देंगे। मेरा ये हो गया है, देखिए। अब इसमें ऊपर से मैं थोड़ा सा टेस्ट आने के लिए देसी घी ऊपर से दूंगी, थोड़ा सा ऊपर से देसी घी डाल देंगी। ऊपर से थोड़ा सा हरी धनिया इसमें डाल देंगे, फिर सर्व करेंगे। ऊपर से भी सजा के थोड़ा सजाना है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है सब्जी। ठीक इसी तरह से बनाना है, 10 से 15 मिनट लगा है सब्जी बनाने के लिए। देखिए मेरा ये सर्व कर लिया हूँ, कितना अच्छा लग रहा है ये आलू परवल की सब्जी। जिस तरह से मैंने बनाया ठीक उसी तरह से आप घर में बनाइए, सबको खिलाइए, रोटी चावल जिससे भी खाना चाहे। बहुत ही अच्छा बना है और सबको खाएंगे, बहुत चाव से खाएंगे, क्योंकि इस तरह से सब्जी बहुत कम लोग बनाते हैं। आप इस तरह से बनाइए, सबको खिलाइए, सबको बहुत पसंद आएगा। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। कैसा बना है आप कमेंट में ज़रूर बोलिएगा कि कैसा बना है। अगर ख़राब बना है तो वो भी आप बता सकते हैं, जैसा भी बना है आप बताइए कि कैसा बना है। धन्यवाद।